प्रेस करें बेल आइकन को ताकि आप पा सकें वीडियो सबसे पहले। दोस्तों, इंडिया में क्रिकेट धर्म की तरह माना जाता है। यदि इसे सांवैधानिक रूप दिया जाए तो क्रिकेट धर्म मानने वालों की तादाद हिंदू, मुस्लिम और अन्य धर्मों की अपेक्षा बहुत ज्यादा हो सकती। ऐसे में यदि कोई क्रिकेट में अपना मुकाम बनाना चाहता है तो उसे केवल कड़ी मेहनत नहीं करना होगा बल्कि उसे एक लंबे समय तक इंतजार भी करना होगा, तब जाकर कोई बात बनेगी। केदार जाधव का इंडियन क्रिकेट टीम तक का सफर कुछ ऐसा ही था। उन्हें 29 साल की उम्र में डेब्यू करने का मौका मिला और 3 सालों बाद यानी 31 साल की उम्र में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 15 जनवरी 2017 में इंग्लैंड के खिलाफ दे सके। दोस्तों, केदार जाधव की इस संघर्षशील सफर में कई लोगों ने उनकी मदद की, तो चलिए दोस्तों जानते हैं केदार जाधव के इस सफर को, कैसे किन लोगों ने उनकी मदद की और किस तरह वो आज इंडियन क्रिकेट टीम का एक हिस्सा है। दोस्तों, केदार जाधव का जन्म पुणे के मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ था। उनके पिता महादेव जाधव बिजली विभाग से रिटायर्ड कर्मचारी हैं। उनकी माँ मंदाकिनी एक हाउसवाइफ हैं। इसके अलावा उनके परिवार में 3 बड़ी बहनें हैं जिनकी शादी हो चुकी है। केदार जाधव बचपन में शांत और अनुशासन प्रवृत्ति के थे, पर वो क्रिकेट को लेकर बहुत ही अधिक पैशनेट थे। उन्हें बचपन में ही क्रिकेट से लगाव हो गया था। लगाव इतना ज्यादा था कि वे सोते समय भी बैट को लेकर सोते थे और गेंदबाजी के लिए जिस वस्तु को गोल पाते उससे ही गेंदबाजी का अभ्यास करते। इस बारे में उनकी बहन सुचित्रा कहती हैं, केदार जब 2 वर्ष का था तब मैंने उसे आंवले से गेंदबाजी करते हुए देखी। वह बार बार हाथ घुमाकर आंवले को एक ही स्थान पर फेंक रहा था। मैंने तो उसी दिन ही कह दिया था कि मेरा भाई बड़ा होकर क्रिकेटर बनेगा। केदार के बारे में उनके पिता कहते हैं, केदार जब 2 वर्ष का था तभी से उसने बैट थाम लिया था। वो रातों में भी बैट के साथ ही सोता था। हमें तो कई बार उससे बैट छीनना पड़ता था। दोस्तों, क्रिकेटिंग के साथ उनकी प्रारंभिक पढ़ाई MIT हाई स्कूल से हुई। केदार शुरू से ही पढ़ाई में औसत स्टूडेंट थे और क्रिकेटिंग के लब ने उन्हें कमजोर कर दिया था, जिससे उन्हें अपनी माँ और टीचर से लगातार डांट सुननी पड़ती थी। लेकिन उनके पिता हमेशा उनका साथ देते थे क्योंकि उनके पिता बिजली विभाग में काम करते थे, जिससे उन्हें अक्सर काम के सिलसिले में बाहर जाना पड़ता था। इसलिए घर की पूरी जिम्मेदारी उनकी माँ ही संभालती। जब उनके पिता घर आते तो उनकी माँ केदार के कम अंकों को लेकर केदार की शिकायत करती, लेकिन उनके पिता हर बार यह कहकर बात को टाल देते कि केदार सिर्फ क्रिकेट ही खेलेगा बल्कि एक दिन हमारा नाम भी रोशन करेगा। अब तक उनकी हाई स्कूल की पढ़ाई पूरी हो चुकी थी। इसके बाद वे यशवंत राव मोहिते कॉलेज में 12वीं पढ़ रहे थे और कॉलेज क्रिकेट टीम का हिस्सा भी थे। इसके बाद वे माणके कॉलेज आ गए जहां उनके क्रिकेट में बड़ा निखार आया, जिसके बाद उन्हें एक क्रिकेट में अच्छी एंट्री मिल गई। यहां उनको स्टेट लेवल की टीम के साथ खेलने का मौका मिला। अब उनकी BCOM की पढ़ाई भी पूरी हो चुकी थी, इसलिए वे क्रिकेट के लिए पूरी तरह से फ्री हो चुके थे। वे अपनी लगन और मेहनत के साथ क्रिकेट में सुधार कर रहे थे। अपने अच्छे प्रदर्शन के चलते उन्हें महाराष्ट्र की रणजी टीम में शामिल कर लिया गया और सन 2007 में उन्हें फर्स्ट क्लास मैचों में खेलने का मौका मिला। उनका पहला साल कुछ खास नहीं रहा, लेकिन अगले ही साल रणजी सीजन में उन्होंने 650 और 1 शतक जमा दिया, जो उनके कुशल बल्लेबाज होने का संकेत दे गया। उन्होंने इन पारियों को नेचुरल T20 प्लेयर की तरह खेला, जिससे उनकी छवि एक बैटिंग बल्लेबाज, आक्रामक बल्लेबाज के रूप में बनी। अपने अच्छे प्रदर्शन के चलते उन्हें IPL की टीम रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु से मैच खेलने का प्रस्ताव आया, जिससे उन्हें अपने क्रिकेट को निखारने का बढ़िया मौका मिला। उन्हें विदेशी कोच भी मिले और उन्होंने खुद को एज अ क्रिकेटर काफ़ी डेवलप कर लिया। जब 2010 में IPL सीजन स्टार्ट हुआ तब उन्हें दिल्ली डेयरडेविल्स की तरफ से खरीद लिया गया।
जिसके लिए खेलते हुए उन्होंने अपने डेब्यू मैच में ही अपनी पुरानी टीम रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु के खिलाफ मात्र 29 बालों में धमाकेदार 50 बना डाले। इस जबरदस्त परफॉर्मेंस ने उन्हें लाइमलाइट में ला दिया और बेंगलोर को मैच जिता दिया और बेंगलोर को यह बता दिया कि उन्हें टीम में शामिल ना करके बेंगलोर ने बहुत बड़ी गलती की। अगले सीजन 2012 में कोची टस्कर केरला ने उन्हें खरीद ली, लेकिन इस सीजन में वे केवल 6 मैच ही खेल सके। इस सीजन में उनकी परफॉर्मेंस उम्मीद के अनुरूप नहीं रही। यह साल उनके लिए अच्छा नहीं रहा। सन 2013 में उन्हें डेली डेयर डेविल्स ने खरीदा, लेकिन इस बार भी उनका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा। 2014 में भी वे सिर्फ नाम मात्र के लिए ही आईपीएल में बने रहे। आईपीएल के सीजन 10 में भी इस आईपीएल सीजन में वे सिर्फ 10 मैचों में मात्र 149 रन ही बना सके, लेकिन रणजी मैचों में इन फ्लॉप शो के दौर में भी वे 2012 में महाराष्ट्र के लिए खेलते हुए उत्तर प्रदेश के खिलाफ 327 की शानदार पारी खेली और सन 2013-14 रणजी सीजन में अपने 6 शतकों के साथ 1223 रन बनाए, जो इस सीजन का सबसे अधिक और रणजी इतिहास में चौथा सबसे ज़्यादा सीजन स्कोर था। इसी की बदौलत महाराष्ट्र 10 वर्षों बाद रणजी फाइनल खेल सका। रणजी मैचों के लिए किए गए इस बेहतरीन प्रदर्शन ने उन्हें 2014 में बांग्लादेश के टूर पर जाने का मौका मिला। वे इंडियन क्रिकेट टीम का हिस्सा बन गए, लेकिन उन्हें खेलने का मौका नहीं मिला। आखिरकार उन्हें नवंबर 2014 में श्रीलंका के खिलाफ ODI मैचों में डेब्यू करने का मौका मिला, लेकिन इस मैच में वे 24 बालों पर 20 रन बना चुके। अगले साल 2015 में उन्हें जिम्बाब्वे के खिलाफ खेलने का मौका मिला। जब सीनियर खिलाड़ियों को आराम दे दिया गया था, उन्होंने तीसरे मैच में 87 बालों पर शानदार अपना शतक ठोक दिया और इसी टूर पर उन्होंने T20 डेब्यू भी कर लिया। भारत का टेस्ट मैचों में शानदार प्रदर्शन के बाद एक बार फिर उन्हें 2017 में इंग्लैंड के खिलाफ वनडे मैचेस के लिए शामिल कर लिया गया, जहां उन्होंने अपनी पहले मैच में कप्तान विराट कोहली के साथ 200 रन की शानदार पार्टनरशिप की और मात्र 76 बालों में सबसे तेज 120 रन भी बनाए, जिससे भारत जीत सका। आज केदार जाधव एक सफल क्रिकेटर हैं और इंडियन क्रिकेट टीम का हिस्सा हैं। केदार बहुत ही शांत प्रवृत्ति के क्रिकेटर हैं। अपने दूसरे क्रिकेटर दोस्तों के साथ उनकी अच्छी दोस्ती है। वे अपने परिवार को भी काफी महत्व देते हैं। उनकी शादी स्नेहल जाधव से हुई और सन 2015 में उनकी एक बेटी भी हुई और उनका जीवन खुशहाल चल रहा है। दोस्तों, हम उनके जीवन के लिए शुभकामनाएं देते हैं। और आपको ये छोटी सी बायोग्राफी कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम इस चैनल पर दुनिया के बेहतरीन लोगों की बायोग्राफीज लाते रहते हैं। और इस बायोग्राफी में अगर कोई भूल चुक हुई हो तो मुझे माफ़ करें। और आगे आप कौन से लोगों की बायोग्राफीज देखना चाहते हैं, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद।